हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली फॉर दिस विंटर। एंड सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। बाय द वे, अमेजोन पे सेल चालू होने वाली है, सो यू कैन चेक आउट दिस प्रोडक्ट ऑन लोअर प्राइस। तो मैं लिंक्स आपको सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड आइडिया लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको एक साथ सारे प्रोडक्ट के लिंक्स देखने के लिए मिल जाए, तो आपको बार बार अलग अलग पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो या अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये रही सारी चीजें जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है। इसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है, मेकअप है। सो हम सारी चीजों की बात करेंगे। एंड काफी न्यू लॉन्च भी मैंने बाय किया हुआ है। सो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे ये आइस रोलर, मशीन वाला रोलर नहीं है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है ना, इसमें से आपको पानी भरना है, लाइक नल के नीचे डायरेक्ट रखना है एंड पानी भरना है। देन उसके बाद आपको फ्रीजर में रख देना है एंड 3-4 घंटे के बाद ये पूरी तरह से आइस जम जाएगा। देन उसके बाद आपको इस तरह से रिमूव करना है एंड फेस के ऊपर रोल करना है। आइस काफी हेल्प करता है हमारे स्किन को एजिंग से बचाने के लिए। देन पोर्स को मिनिमाइज करता है। देन जो हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं उनको आने के लिए कंट्रोल में रखता है। बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आइस। तो आई थिंक सो ये काफी काम आने वाला है। एंड गेस द प्राइस, आई बॉट दिस प्रोडक्ट जस्ट फॉर 189 रुपीज। काफी रीजनेबल है एंड काफी फ्रेंडली टाइप का है, यूज कर सकते हो आप इजिली। इसमें कुछ ताम झाम नहीं है, जस्ट आपको यहाँ से पानी भरना है, फ्रीजर में रखना है, देन इस तरह से ओपन करना है, डायरेक्टली फेस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। एंड इसमें ना आप अलग अलग चीजों का बना सकते हो, जैसे कि हल्दी डाल के आप और आइस जमा सकते हो, देन कुछ फ्रूट वगैरह का पल्प डाल के आइस जमा सकते हो। सो ओवरऑल ये मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इसका सेपरेट रिव्यू ना मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स पे जल्द ही शेयर करूंगी। सो हियर आई हैव न्यू लॉन्च ऑफ L'Oreal स्किन केयर में। दिस इज अ ग्लाइकोलिक ब्राइट 1.0% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम एंड दिस इज अ ग्लोइंग क्रीम डे SPF 17। सो ये दोनों मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किया है। सो अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं L'Oreal का ऑलरेडी रेविटा लाइट वाला जो सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड वाला, मैं ऑलरेडी वो यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। एंड आई थिंक सो दे आर गुड। काफी अच्छा ब्राइटन अप कर देते हैं स्किन को लगाने के बाद एंड पोर्स भी काफी अच्छा मिनिमाइज दिखता है। सो मैं सोचा चलो इसको भी ट्राई करते हो क्योंकि इसके बारे में भी काफी रिव्यू सुना है। तो मैं पहले यही वाला सीरम खाली खरीदने वाली थी, बट मैंने देखा ये दोनों कॉम्बो में अवेलेबल है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं कॉम्बो वाला ही। तो ये दोनों मुझे कुछ 500 रुपीज के अराउंड में रिसीव हुआ है। इसमें मैंने बड़ा वाला पैक इसलिए नहीं खरीदा कि आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरे स्किन के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो इसलिए मैंने छोटे पैक्स में ही इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मैं बड़ा वाला ट्राई करूंगी। सो आई एम यूजिंग इट सिंस आई थिंक सो 2 वीक्स नाउ एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स। इसको जैसे ही आप अप्लाई कर दो ना, सबसे पहले तो मैं टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। यू कैन अप्लाई एनी टोनर यू हैव एंड देन उसके बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ जस्ट 3-4 ड्रॉप। ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं अप्लाई करना है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपको डिसेंट अमाउंट में ही अप्लाई करना है। सो मैं इसे 2-3 प्रोडक्ट ड्रॉप्स में लगाती हूँ अपने फेस के ऊपर। नेक एरिया पे भी आपको भूलना नहीं है क्योंकि नेक पड़ोसी नहीं है कि आप उसे भूल जाओ, आपका ही घर है, तो दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैं फेस पे एंड नेक पे 3-4 ड्रॉप लगा लेती हूँ, पूरा सिर्फ 3-4 ड्रॉप। एंड इस तरह मुझे काफी अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। पहले तो मेरी स्किन काफी अच्छी ब्राइट दिखती है, ग्लोइंग दिखती है, प्लम दिखती है। सेकेंडली ना आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली आपके जो पोर्स है ना वो मिनिमाइज दिखते हैं इसे लगाने के बाद। एंड इसे आप कंटिन्यूस लगाते हो ना तो काफी अच्छा रिजल्ट भी आता है। सो इसे लगाने के बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ डे टाइम में। नाइट टाइम पे मैं वो हाइलुरोनिक एसिड वाला फॉलो करती हूँ, डे टाइम में मैं ये फॉलो करती हूँ बिकॉज दिस इज डे क्रीम। एंड दूसरा वाला जो L'Oreal का मेरे पास है, दैट इज अ जेल बेस्ड क्रीम, तो आप उसे कभी भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों कॉम्बो मुझे काफी सही लगा क्योंकि दोनों को लगाने के बाद ना स्किन बहुत अच्छी ब्राइट, ग्लोइंग एंड प्लम्प दिखती है। सो ओवरऑल आई लाइक दिस बोथ प्रोडक्ट, सो यू कैन ट्राई दिस। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आई हैव दिस 10% नियासिनेमाइड फेस सीरम फ्रॉम द डर्माको एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। जेन्युइनली आई लव दिस प्रोडक्ट। टू हैव एक्ने प्रोन स्किन प्लीज स्विच टू दिस सीरम, दिस इज मस्ट हैव सीरम फॉर एक्ने प्रोन्स। अगर आपको छोटे छोटे बम्प्स भी आते हैं फेस के ऊपर, ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके फेस पे कोई पिंपल आने वाला है या फिर ग्रोथ शुरू हो गई है, आप जैसे लगाना चालू करो ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, बिल्कुल भी वो बढ़ेगा नहीं। ये बहुत अच्छा हेल्प करता है एक्ने को कम करने के लिए। एंड अगर आप इसे डेली बेसिस पे लगाते हो ना तो आपकी स्किन काफी अच्छी होने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बम्प आपको दिखेगा,
देखिएगा तो ये ना मुझे जस्ट ग्रो हो रहा था फेस के ऊपर एंड देख के पता चल जाता है ना कि ये पिंपल बड़ा वाला आएगा क्योंकि वो पेन वगैरह होता है. तो ये पिंपल ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा हो जाएगा. तो आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस. मैंने डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई करना चालू किया एंड नेक्स्ट डे ये ना ग्रोथ रुक गई वहीं पे. एंड आई थिंक सो 2 and 3 days में ये काफी छोटा हो गया है. एंड आप देख सकते हो आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा विजिबल होगा यहाँ पे है ये. सो आई लिटरली लाइक दिस प्रोडक्ट. आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको एक्ने का इश्यू है तो. नेक्स्ट आई हैव दिस डॉटन की अंडर आई क्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग. आई लिटरली लव द पैकेजिंग. कितना क्यूट सा पैकेजिंग है आप देख सकते हो. इसे भी यूज कर रही हूँ काफी टाइम से इन द सेंस 2 weeks से. मैंने सारे प्रोडक्ट एक ही साथ ऑर्डर किए थे तो मैं 2 weeks से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो काफी मतलब खत्म भी हुआ है इसमें से. तो मैं इसे डेली यूज करती हूँ. तो इट इज ना वेरी लाइट वेट, वेरी वेरी लाइट वेट. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. तो आप इसे डे नाइट कभी भी यूज कर सकते हो. बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. बात करें इसके इंग्रेडिएंट की तो इसमें ना आपको रेटिनॉल प्लस कैफीन मिल जाता है एंड ये ना कॉफी चेरी प्लस रोज हिप ऑयल भी इसमें अवेलेबल है. सो ऑल टुगेदर ये मुझे काफी अच्छा लगा. एंड द प्लस पॉइंट एज ये ना बिल्कुल भी हैवी नहीं है तो आप इसे अंडर मेकअप भी यू नो वेयर कर सकते हो. एंड मोस्टली आई अप्लाई अंडर आई क्रीम बिकॉज मेरे अंडर आई काफी डार्क है. सो मैं काफी ज्यादा ध्यान दे रही हूँ आजकल एंड आई कैन सी द रिजल्ट. मेरे अंडर आई काफी ज्यादा कम हो गए पहले से. अगर आप पहले देखोगे एंड अभी की वीडियो में देखोगे तो मेरे अंदर काफी कम हो गए हैं. सो मुझे काफी अच्छा लगा एंड ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट. एंड इसका प्राइसिंग इज 450 rupees बट मैंने इसे कुछ 300 rupees में परचेस किया था. सो ओवरऑल इट्स गुड. रिसेंटली मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स को ये डॉक्टर शेट्टी का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड वाला सनस्क्रीन प्रमोट करते हुए देखा है या फिर वो जेन्युइनली यूज कर रहे होंगे. मैंने काफी लोगों को ये यूज करते हुए देखा है एंड दे आर गिविंग गुड रिव्यू अबाउट दिस. सो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं. एक्वालॉजिका का तो ऑलरेडी काफी अच्छा है बट विंटर के लिए जो येल्लो वाला पपाया वाला मेरे पास है आई डोंट थिंक सो वो यू नो उतना ज्यादा काम करता है. हाँ अगर आपने बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, अच्छा अमाउंट में अप्लाई किया है देन यू कैन अप्लाई. बट वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है एंड वाटरी फॉर्म में है इसलिए विंटर के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दैट. बट हाँ समर सीजन चालू होने वाला है तो आप वो परचेस कर सकते हो. बट दिस इज ऑल्सो इन अ क्रीम फॉर्म तो मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली. एंड आप देख सकते हो ट्यूब मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी इसे यूज कर रहे हैं बाय द वे. सो हम दोनों इसे यूज कर रहे हैं. काफी खत्म सा हो गया आप देख सकते हो. यहाँ पे यूसेज लिखा हुआ है. इसे आपको दो फिंगर में लेना है, लाइक स्प्रेड करना है दो फिंगर में इस तरह से, जैसे कि बीच में एक वायरल हुआ था ना कि आपको 3 फिंगर में पूरा लेना है एंड उसे पूरे फेस पे अप्लाई करना, उतने अमाउंट में सनस्क्रीन अप्लाई करना. बट यहाँ पे 2 फिंगर में लिखा हुआ है एंड आपको ना इसे एवरी 2 to 3 hours लगाना है. इसमें हल्दी का एसेंस पता चलता है लगाने के टाइम पे. हाइलुरोनिक एसिड तो वी कैन नॉट डिफाइन बट यस हल्दी का कलर है इसमें लगाने के टाइम. मैं यहाँ पे आपको एक स्वैच दिखाती हूँ थोड़ा सा. सो आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ यू नो लेमन येल्लो टाइप का इट्स कलर बट ये काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है एंड स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है. आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ना एक 2-4 seconds रुकना है ताकि अच्छे से स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए. उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई कर लो, चाहे पाउडर या जो भी आप अप्लाई करते हो वो अप्लाई कर लो. सो ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट. सो हियर आई हैव समथिंग फॉर हेयर केयर. सो रिसेंटली आई एम ट्राइंग दिस लॉरियल सीरम, लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम. सो मैंने आई थिंक सो कल ही, हाँ यस कल ही मैंने हेयर वॉश किया था एंड मैंने इसे अप्लाई किया. वैसे तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, ज्यादा खत्म नहीं हुआ है बिकॉज 3 to 4 drops एंड यू आर गुड टू गो. बहुत ज्यादा भी नहीं अप्लाई करना अदरवाइज आपका हेयर बहुत ज्यादा ऑयली दिखेगा. सो 3 to 4 drops लगाना है. आप देख सकते हो क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है. सो आई थिंक सो मैंने इसे अब तक 3 or 4 बार लगाया है अपने बाल पे. इसके पहले मैंने मतलब मैं लॉरियल का जो पर्पल वाला बॉटल आता है ना वो यूज कर रही थी. तो मैंने इसका रिव्यू काफी अच्छा देखा इंटरनेट पे तो मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं. लेट्स बाय अ स्मॉल बॉटल बिकॉज सीरम इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं एंड विंटर के सीजन में तो रोज रोज बाल कोई धोएगा नहीं. सो इसलिए मैंने छोटा सा ही बॉटल ऑर्डर किया. प्लस दिस आर ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो बट दिस इज इन यू नो कांच का बॉटल. सो वहां पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है कि आप ट्रैवल में थोड़ा सा यू नो गिर गया पाउच तो टूट जाएगा उसका. बट ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा. काफी स्मूथ है प्लस बाल को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है बिकॉज आई वॉज यूजिंग दैट लॉरियल का पर्पल वाला बॉटल जो मैंने स्मूदनिंग कराने के बाद एक्चुअली खरीदा था. काफी बड़ा बॉटल था तो काफी लंबा टाइम वो चला. सो उसे लगाने के बाद ना मेरा बाल थोड़ा सा ऑयली मुझे फील होता था बट दिस डजंट फील ऑयली एंड
बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है मेरे बाल को एंड राइट नाउ मैंने लगाया हुआ भी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ सा फील होता है। आपको बस 2 से 3 ड्रॉप लेना है एंड अपने गीले बालों पे लाइक लगा लेना है, सूखे बालों पे नहीं लगाना है, अदरवाइज वो एक ही जगह पे लगेगा। गीले बाल पे लगाओगे ना आप तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। सो अब ना मैंने यहाँ पे 2 मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए जिसका रिव्यू ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे मेबेलिन फिट मी फ्रेश टिंट, बहुत अच्छा फ्रेश टिंट है ये एंड इसका ऑलरेडी एक सेपरेटेड रिव्यू मेरे चैनल पे जा चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इसका कवरेज है एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक स्वैच दिखा देती हूँ इसका, इस तरह के ट्यूब के फॉर्म में आता है ये एंड बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। सीसी क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको मतलब चेंज करके आप ये यूज़ करना चालू करते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से ये यू नो ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो ये क्लेम करता है ना कि ये कवरेज देने के साथ साथ आपको स्किन केयर में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। बाय द वे ये 399 रुपीज़ का आता है बट मैंने इसे 299 रुपीज़ में परचेज किया है बिकॉज अमेजोन पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता ही है। सो हियर नाउ आई हैव दिस गश का बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम से लेना था एंड इट वॉज अनअवेलेबल ऑन अमेजोन काफ़ी टाइम से। एक्चुअली अमेजोन भी ने मैं काफ़ी जगह पे चेक करी थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गश मल्टीपर्पज फेस पैलेट क्रीम ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइटर। दिस इज द पैलेट एंड यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये ओपन होता है, यहाँ पे कांच है एंड देन दिस इज द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपको इस तरह से 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि है ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर एंड तीनों भी आपको क्रेम फॉर्म में मिलेगा, ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। बात करें इसके प्राइस की ना तो दिस इज फॉर आई थिंक सो 1450 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यस इट इज 1450 रुपीज़ एंड इसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। मे बी आपको सेल के टाइम पे मिल जाएगा तो यू कैन चेक आउट दैट टाइम। सो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, प्लस ये ना बहुत सारे काम चीज़ों में काम आएगा। वैसे तो फेस पैलेट है ये, आप इसे एज आई मेकअप भी यूज कर सकते हो क्योंकि कलर्स काफ़ी प्रीटी है। सो यहाँ पे मैं आपको स्वैच दिखाती हूँ, लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर है यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुंदर है एक्चुअली। मुझे इसे ख़राब ही नहीं करना है, ऐसा हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब मैं हाइलाइटर का दिखाती हूँ आपको, हाइलाइटर ना बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, एकदम स्मूथ सी फिनिश है इसकी जैसा कि आप देख सकते हो। वहाँ पे हम कॉन्टोर का शेड देखते हैं, देखो आप यहाँ पे, वाह बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। पिगमेंट तो काफ़ी अच्छा ही है बट मेरे फेस के हिसाब से कॉन्टोर का शेड भी सही है एंड ब्लश का शेड भी सही है और हाइलाइटर तो है। इसमें आपको ना 2 शेड अवेलेबल मिल जाएंगे, दिस इज इन द शेड डे इन एंड डे आउट, सो दिस इज फॉर डे टाइम का शेड बट आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अब ना मुझे इसके साथ एक फ्री प्रोडक्ट मिला था बिकॉज जब मैंने इसे परचेज किया था ना उस टाइम पे उस गश के प्रोडक्ट पे 15 अगर आप 1000 या 1200 के ऊपर का कुछ परचेस करते हो तो उसके साथ आपको एक लिपस्टिक फ्री मिलती है जो कि है ये गश प्ले पेंट लिपस्टिक। इसका एक और शेड है मेरे पास जो कि मैंने सेपरेटली परचेस किया था, दैट वाज इन अ रेड हॉट रेड कलर। सो दिस इज एनरिच्ड विद हाइलुरोनिक एसिड प्लम्प एंड हाइड्रेट, मैंगो बटर है इसमें, हील एंड सूथ भी है। सो बहुत अच्छा एक्चुअली मैंने इसे यूज किया हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा लाइट वेट है। तो उसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ एंड बहुत प्यारा सा पैकेजिंग भी है एक्चुअली इसकी। सो ये कुछ इस तरह का है, काफी प्रिटी सा ब्राउन कॉफी ब्राउन काइंड ऑफ का शेड है, काफी अच्छा लगा मुझे ये। सो आई गिव दिस प्रोडक्ट थम्स अप। सो आप चेकआउट कर सकते हो, मे बी आपको गश के प्रोडक्ट पे सेम ऑफर मिल जाएगा तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लास्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस शुगर चारकोल पेट्रो बबल मास्क। सो मैंने इसे ऑलरेडी ट्राई किया है एंड मास्क आर रियली गुड, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव फेशियल का टाइम दैट टाइम यू कैन यूज। तो आई गॉट दिस प्रोडक्ट फॉर आई थिंक सो 89 or 64 रुपीज़ का, तो आप अगर ऐसे खरीदने चाहते हो ना आपको ये 100 रुपीज़ का पड़ता है। सो आई थिंक सो बहुत ही अच्छे रेट में मुझे ये रिसीव हुआ एंड यू शुड ट्राई दिस मास्क अगर आपने ट्राई नहीं किया। बहुत सारे वेराइटीज़ में अवेलेबल है एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के अवेलेबल है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मास्क।
सो गाइस कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। एंड यस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। बाय द वे आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको आइडिया लिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप एक साथ सारे प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो एक ही जगह पे। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।